नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और एक दुख भरी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये हादसा हुआ है गोगड़ीपुर फ्लाईओवर के पास, जहां पर दो बाइक में पहले टक्कर होती है और उसके बाद एक बाइक सवार युवक गिर जाता है और जैसे ही संभल कर उठने लगता है पीछे से डंपर चालक जो तेज रफ्तार में आ रहा था वो टक्कर मार देता है और मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और बाइक जलकर खाक हो जाती है। आपको इस बाइक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा हादसा जो हुआ है वो गोगड़ीपुर फ्लाईओवर के पास हुआ है, जो ये रोड जा रहा है आगे वहाँ पर ये हादसा हुआ है। हकीकत नगर इस जगह का नाम है। जो युवक बाइक चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आगे जाकर डंपर चालक को पकड़ लिया जाता है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी तरफ से, और फिर पुलिस मौके पर आती है, डंपर चालक को पुलिस को दे दिया जाता है और डंपर भी फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अगर बाइक के नंबर की बात करें तो बाइक का नंबर पंजाब का है, PB10DE3470। ये बाइक है और इस बाइक के जरिए वो व्यक्ति करनाल की तरफ जा रहा था। अचानक घोगड़ीपुर फ्लाईओवर के पास हकीकत नगर में दो बाइक की आपस में टक्कर होती है। एक बाइक सवार युवक गिर जाता है और गिरने के बाद जब संभल कर उठने लगता है तब डंपर चालक पीछे से आता है और डंपर उसके ऊपर चढ़ा देता है, यानी कि उसके नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। तकरीबन 24 से 25 साल का युवक बताया जा रहा है। किस तरीके से हादसा हुआ कोई जानकारी? किस तरीके से हादसा हुआ सर? ये जैसे पीछे से आ रहा था, दो बाइक थी वहाँ पर खड़ी थी, तो आपस में वो बाइक गिर गई, पीछे से डंपर आ गया, तो उसने जो दुकानदार है एक उसने हाथ भी दिया उसको भी रोक ले, लेकिन उसने नहीं रोका, वो सीधा अपना टक उठा के उसको सीधा अपना घसीटता हुआ ले गया, काफी दूर तक ले गए यहाँ तक। उसमें बाइक में आग भी लग गई थी, बाइक में आग लगने के बाद फिर यहाँ पानी पूनी उस पर छिड़का तो मान लो आग को बुझाया। वो युवक की मौत हो गई थी, तुरंत मौत हो गई जी, मौके पर मौत हो गई, ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, ऊपर चढ़ा दिया जी, बिल्कुल आगे जैसे फ्रंट होता है ना जो डैम्पर का, तो उसको उसके सामने बिल्कुल सीटते हुए ले गए। वो तो कहाँ हादसा हुआ है? ये सर यहीं पर हुआ, बस सड़क पे गोगड़ीपुर फाटक और हकीकत नगर गली नंबर 3 यहाँ पर है, बिल्कुल उसके पास में गली नंबर 4 सर, 3 पे घसीट के लाया वो। सर हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं सर भैया सरकार से, बाकी यहाँ पर एक ब्रेकर भी बनना चाहिए, जो भी है, पहले भी एक और हादसा हुआ वहाँ भी, पहले भी डेथ हो चुकी है एक, अभी कम से कम 2-4-5 महीने पहले भी एक डेथ हो चुकी थी यहाँ पर, इसलिए हम तो सरकार से ये कहते हैं भी यहाँ पर एक मान ले ब्रेकर बनना चाहिए ताकि यहाँ आने कोई दिक्कत ना हो ब्रेकर की वजह से। इसलिए यहाँ पर सर कॉलोनी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लोग इतनी फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं कि बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वरपाल है सर, हकीकत नगर करनाल। तो आपको हादसे वाली जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कहां पर हादसा होता है, दो बाइक की आपस में टक्कर होती है। ये वो जगह है जहां पर दो बाइक की आपस में टक्कर होती है, उसके बाद एक बाइक सवार युवक गिर जाता है और जैसे ही संभल कर उठने लगता है पीछे से जो डंपर आ रहा था वो उस युवक के ऊपर चढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो रोड घसीटने के निशान हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, दूर तक उस युवक को बाइक समेत डंपर घसीटता हुआ आगे लेकर जाता है, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाइक जल जाती है। उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बाइक जो जल रही होती है उसे बुझाते हैं और युवक की मौके पर मौत हो जाती है। तो अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया गया है। साथ ही अगर बात करें, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो डंपर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ डंपर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये बाइक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। पंजाब इसका नंबर है, यानी कि पंजाब का नंबर था बाइक पर, PB10DE3470। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि रफ्तार में गाड़ी आ रही होती है ऐसे में ब्रेक नहीं लगती और जिसके कारण पहले भी कई बार हादसे हुए हैं और आगे भी इस तरीके के हादसे ना हो, इसलिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जो है वो डंपर घसीटता हुआ उस बाइक
सवार युवक को लेकर आता है। लोगों की भी अपील है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए, स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल बनना चाहिए जी, बिल्कुल बनना चाहिए। बाकी यहाँ ओवर स्पीड आते हैं लोग, एक तो भट्ठे वाले ट्रैक्टर और ये मिट्टी वाले ट्रैक्टर, इन्हें बहुत ज्यादा मतलब वो कर रखा, गदर कर रखा, बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हैं। यूँ नहीं समझते भाई हम भीड़ में वो चल रहे हैं, कम से कम कॉलोनी है ये, कॉलोनी में नहीं कोई ब्रेकर है और ज्यादा इसके अंदर कट है, तो आराम से चलने चाहिए यहाँ को। आज क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ? आज हादसा ये हुआ कि कह रहे हैं मतलब हमें तो देखा दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये मोटरसाइकिल आपस में, पहले दो आपस में मोटरसाइकिल भिड़ी हैं, भिड़ने के बाद एक मोटरसाइकिल वाले उठ के भाग गए। ये उठने की मतलब कोशिश कर रहा था, इस पर उठा नहीं, पीछे से उसको हाथ भी दिया ट्रक वाले को, लेकिन उसकी ब्रेक नहीं लगी, सीधा इसके ऊपर चढ़ गया डंपर वाले। बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं, उनमें भारी सामान भी होता है। तमाम लोगों की अपील है कि रफ्तार धीमी होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनना चाहिए ताकि ब्रेक लग सके। आप देख सकते हैं कि बाहरी वाहन, बड़े ट्रक यहाँ से गुजरते रहते हैं और कई बार हादसों का डर बना रहता है। जिस डंपर चालक ने ये जो ट्रक डंपर चढ़ाकर गया उस डंपर की भी हम आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे। जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस डंपर की, जिस के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये डंपर चालक की तरफ से चलाया जा रहा था, रफ्तार इसकी तेज़ थी, ब्रेक नहीं लगती और इसके नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमने आपको बताया कि घोगड़ीपुर फ्लाईओवर के पास हकीकत नगर, वहां पर ये हादसा हुआ था। उसके बाद डंपर चालक डंपर को आगे तक ले आया और तमाम लोग जो आस पड़ोस के थे उनकी तरफ से डंपर चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस छोड़ दिया गया है, लेकिन डंपर भी फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। समझने की बात महज इतनी सी है, बड़ी गाड़ियां रोड पर चलती हैं और ऐसे में रफ्तार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन लॉकडाउन खुलने के बाद, अनलॉक होने के बाद सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार तेज हो चुकी है, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़क पर दिखने लगती हैं। ऐसे में ये स्थिति जरूर नियंत्रण में रखनी चाहिए कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। और लोगों ने भी कहा है कि वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए, आपको करनाल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।